गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल के दौरे पर पहुंचे तो सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों का उत्साह दोगुना हो गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से मुलाकात की तो वहीं चीन सीमा पर बने आउटपोस्ट का निरीक्षण भी किया। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान सीधे वो उन जवानों के बीच पहुंचे जो हर वक्त देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस दौरान सबसे पहले अमित शाह किबिथू वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अमित शाह उस आउटपोस्ट पर पहुंचे जो चीन सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, जहां आईटीबीपी के आउटपोस्ट का निरीक्षण किया और सीमा की सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी ली। देर शाम गृह मंत्री अमित शाह आईटीबीपी के जवानों से मिले और उनसे सीधा संवाद किया। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ भोजन किया और फिर अरुणाचल प्रदेश के उसी इलाके में रुके। गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब एक बार फिर से चीन अरुणाचल को लेकर विवाद खड़ा करने की तैयारी में था। वहीं यह पहला मौका था जब कोई गृह मंत्री चीन सीमा से 1 किलोमीटर दूरी पर बने आउटपोस्ट पर पहुंचे हो और वहां रात को रुके। 2 दिनों के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में चीन को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत की जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इससे पहले चीन ने उनके दौरे पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कदम रखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। उन्होंने बता दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया और किसी ने भी भारत की जमीन की तरफ नजर गड़ाई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मौजूद किबिथू इलाके में पहुंचे और वहीं से उन्होंने चीन को इशारों में ये सख्त संदेश दिया। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में ही अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार की इस अहम परियोजना के तहत भारत और चीन सीमा से लगे 500 गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दराज के इन गांवों की तस्वीर बदली जा सके, वहां शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा सके। बताया गया कि इस योजना के तहत जिन 500 गांवों को आधुनिक बनाया जाएगा उनमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 50 गांवों पर काम शुरू हो चुका है। इस योजना में लद्दाख के 155 गांव, हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांव, उत्तराखंड के 115, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे 100 गांव और सिक्किम के 50 गांवों को मॉडल विलेज की तरह विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की ये योजना भी चीन को जवाब देने के लिए ही तैयार की गई है, ताकि अरुणाचल प्रदेश समेत LAC पर उसकी किसी भी हरकत को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। इधर वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गई। वहां बीता इलाके में एक बार फिर इसराइल की सेना और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद ऐसा हंगामा हुआ कि रोके न रुका। आरोप है कि इसराइल की सेना को देखते ही फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने वहां कई गाड़ियों में आग लगा दी। वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग पत्थरबाजी करते भी नजर आए। इसराइल ने दावा किया कि जैसे ही उनकी सेना वेस्ट बैंक इलाके में गश्त करने पहुंची, कुछ लोगों ने सेना की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान न सिर्फ उन पर पत्थर बरसाए गए बल्कि जगह जगह आगजनी भी की गई।